एक बेचारा पति मीडिया के आगे फूट फूट कर रोता है, अपनी पत्नी को धोखेबाज बताता है, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है। अब वही पति मीडिया के आगे आकर कहता है, मेरी पत्नी पाक साफ है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सवाल उठता है, सफाई कर्मी पति पर अफसर पत्नी का दबाव है, आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को बदनाम किया है, बेवफा पत्नी या लालची पति। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की कहानी में रोज नए नए ट्विस्ट आते जा रहे हैं। अब आलोक मौर्य के बयान से लग रहा है कि ज्योति मौर्य की टेंशन कम होने वाली है। सफाई कर्मी आलोक मौर्य ने अब ज्योति मौर्य पर लगाए दागों को खुद साफ करने को तैयार है और एसडीएम को पाक साफ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। पति के साथ बेवफाई से लेकर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद पत्नी ज्योति मौर्य ने भी अपने पति और ससुराल वालों पर पैसे मांगने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने तक का आरोप लगाया था। अब पति ने पत्नी के खिलाफ दायर सभी आरोपों को वापस ले लिया है। ज्योति मौर्य और आलोक के बीच समझौता हो गया है, जिसके बाद आलोक मौर्य ने जांच कमेटी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत वापस ले लिया है। आलोक मौर्य ने शिकायत वापस लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं सोच समझकर शिकायत वापस ले रहा हूं। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ज्योति मौर्य भी अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दायर शिकायतों को वापस ले सकती हैं। आलोक मौर्य ने शिकायत वापस ले लिया, जिसके बाद जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट कमिश्नर प्रयागराज को भेजेगी। आलोक मौर्य की शिकायत वापस लेने के बाद ज्योति मौर्य का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्द दोनों का तलाक हो सकता है, तो फिर एसडीएम ज्योति मौर्य अपने कथित बॉयफ्रेंड होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से शादी भी कर सकते हैं। प्रयागराज कमिश्नर और प्रशासन तय करेगी कि अब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो ये कहानी है और जो ये जांच चल रही है उसकी फाइल को बंद किया जाए या नहीं। फिलहाल ज्योति मौर्य की मुश्किलें उनके पति ने आसान जरूर कर दी है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।